आज वर्षा ऋतु देश के हर एक कोने में आ चुकी है, हर जगह मानसून है और हर जगह बारिश हो रही है। वास्तु का क्या लेना देना है बारिशों में, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और वास्तु में क्या चेंजेस करें जिसकी वजह से बारिशों में हमारे घर में एनर्जी बनी रहे, और जो प्लैनेटरी पोजिशनिंग है उससे हमारे घर में ऊर्जा और ही ज़्यादा बढ़े और हमको और हमारे परिवार को वो बेनिफिट दे। आइए इस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि वर्षा ऋतु हर जगह है, देश का हर एक कोना इस समय तरोतर है, हर जगह बारिश हो रही है और मौसम बहुत खुशनुमा है। कुछ जगह पे उमस हो जाती है, लेकिन फिर भी आप देखोगे घर के अंदर एक ठंडक का माहौल है, जेठ की गर्मी से राहत मिली है। इस समय जो प्लैनेट है वो मरकरी है, जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा हर एक प्राणी को, हर एक घर के अंदर। मरकरी प्लैनेट बुध ग्रह हर एक घर के अंदर बहुत ही एक्टिवेटेड होना चाहिए, ताकि उसकी एनर्जी बहुत ही अच्छे तरीके से परिवार में फ्लो करे, और ख़ासतौर से वो लोग जिनका बर्थ 5, 14 या 23 किसी भी महीने में हुआ है, या फिर उन्होंने एमरल्ड या फिर पन्ना पहना हुआ है। इन सभी लोगों के लिए नॉर्थ डायरेक्शन बुध बहुत ज़रूरी है, और इस समय ये जो जुलाई का फर्स्ट हाफ है इसके अंदर आपको नॉर्थ डायरेक्शन को एनर्जाइज करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। नॉर्थ डायरेक्शन को कैसे हम एनर्जाइज कर सकते हैं? नॉर्थ डायरेक्शन में हम बेसिल का तुलसी जिसको बेसिल भी कहा जाता है, बेसिल एसेंशियल ऑयल को वहाँ पर डिफ्यूज़ करें या फिर स्प्रे करें। ये दोनों ही तरीकों से आपके नॉर्थ डायरेक्शन बहुत ही अच्छी एनर्जाइज हो जाएगी, क्योंकि तुलसी बुध ग्रह का औषधि मानी गई है। तो नॉर्थ डायरेक्शन में आपके घर में, घर के मध्य से खड़े होकर आप देख लीजिएगा कि नॉर्थ डायरेक्शन किधर है, ठीक है। जो हमारा डायरेक्शन है उसमें ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपका, जहाँ से सूर्य उगता है, जो पूर्व डायरेक्शन है, पूर्व दिशा की तरफ अगर आपने मुँह रखा है, जहाँ उगता सूरज है सुबह 7 बजे, वहाँ से ठीक आपके लेफ्ट साइड में वो 90 डिग्री जो क्रिएट करता है वो आपका नॉर्थ डायरेक्शन है। नॉर्थ डायरेक्शन में आपको तुलसी का पौधा आपको वहाँ पर रखना चाहिए, या फिर तुलसी का एसेंशियल ऑयल आपको डिफ्यूज़ करना है। ये दोनों ही चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। और दूसरी चीज़, बारिशों में जो सबसे बड़ी चीज़ आती है, परेशानी आती है, वह है वाटर लॉगिंग की। वाटर लॉगिंग हो या कोई भी चीज़ हो, भले कोई भी हमारा पैसा है या हमारा कोई व्यक्ति है, हमारे रिसोर्सेज है, कोई संबंध है या फिर पानी है, कोई भी चीज़ अगर रुक गई है वो नेगेटिव है। जो भी रुकी हुई चीज़ है वो नेगेटिव है, उसको फ्लो में लाएं। रुका हुआ पैसा बहुत दिन तक वो भी आपको नुकसान दे देगा, एक रुका हुआ रिश्ता या रुका हुआ फैसला, वो सारी चीज़ जो रुक गई हैं वो आपको नुकसान देती है। पॉजिटिव एनर्जी का मतलब ही है जो एनर्जी का फ्लो है, एनर्जी का मतलब ही चेंज है, और चेंज इज परमानेंट। आज तक दुनिया में हर वो चीज़ जो प्रगतिशील है वो बदलती रही है। तो आज आपको भी अपने घरों के अंदर जल को गलत जगह पे उसका संचय ना हो, कि जहाँ पे कहीं पर भी अगर पानी रुका हुआ है तो वहाँ पे आपको हटाना है, ताकि आपको नेगेटिव एनर्जी वहाँ से ख़त्म हो जाए। नहीं हटा सकते हैं तो कूलर में या बाकी जगहों पे आप उसमें यूकलिप्टस का एसेंशियल ऑयल आप डाल सकते हैं। यूकलिप्टस एसेंशियल ऑयल में वो प्रॉपर्टी, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि बड़ी अच्छे तरीके से नेगेटिविटी को ख़त्म करती हैं। यूँ तो यूकलिप्टस एसेंशियल ऑयल बृहस्पति का है, लेकिन उसके अंदर इतनी ऊर्जा है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, कि वो छोटी मोटी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको तो तुरंत ख़त्म कर देगी, और पॉजिटिव एनर्जी का एक अच्छा फ्लो क्रिएट कर देती है। तो नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए पानी को हटाइए, पॉजिटिव एनर्जी के लिए तुलसी का, बेसिल का एसेंशियल ऑयल, या फिर यूकलिप्टस एसेंशियल ऑयल का डिफ्यूजन, कि आप डिफ्यूज़र में यूज़ करिए, जैसे पीछे लगा है डिफ्यूज़र को आप यूज़ करिए, कैंडल लगा करके, या फिर स्प्रे करिए। दोनों ही चीज़ों से आप घर की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा सकते हैं।